नमस्कार दोस्तों, एम एस डब्ल्यू क्रिएटिव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो गवर्नमेंट और झारखंड में जो वैकेंसी आई है, झारखंड स्टेट कॉन्स सोसाइटी जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कैसे अप्लाई करना है सारी डिटेल में बताऊँगा। जो वैकेंसी है, डेटा मैनेजर है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, स्टाफ नर्स है, काउंसलर है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स और डेटा मैनेजर। सैलरी आप देख सकते हैं 13,000 से शुरू के 45,000 तक ख़त्म होती है सारी वैकेंसी। हम बात करेंगे अब क्वालिफिकेशन के बारे में। जो वैकेंसी दी गई है मेडिकल ऑफिसर की, बात करें तो MD मेडिकल किया होना चाहिए, MBBS किया जाना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर की बात करें, MBBS किया होना चाहिए। काउंसलर, इसमें सोशल वर्क वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी MSW वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स है, BSC वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेटा मैनेजर की बात करें, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें और मंथली सैलरी जो आप देख सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर 45,000, मेडिकल ऑफिसर 36,000 से, काउंसलर 13,000, डेटा मैनेजर 13,000, स्टाफ नर्स 13,000 से। आपको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको स्पीड पोस्ट द्वारा अप्लाई करना है। जो एड्रेस दिया गया है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर झारखंड, स्पीड पोस्ट द्वारा इसमें आपको अप्लाई करना है। आपको ये इसकी डिटेल चाहिए तो जो वेबसाइट दी गई है उस पर आप दे सकते हैं। आपको ये फॉर्म भर के आपको स्पीड पोस्ट में डाल के और आपका सारा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसमें सबमिट करके शेयर करना है। आपको ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं।